हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बनाएंगे समर की सबसे पॉपुलर डेजर्ट, जी हाँ, आइसक्रीम, वो भी मैंगो आइसक्रीम। मैंगो का सीजन है तो मैंगो आइसक्रीम बनाना तो बनता ही है। आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी सबसे इजी और सबसे सिंपल है। घर के और बाजार के आइसक्रीम में एक मेजर डिफरेंस होता है कि घर की आइसक्रीम आइसी बनती है और बाजार की क्रीमी होती है। लेकिन आप अगर मेरी इस रेसिपी को टू द टी एंड तक फॉलो करेंगे तो घर की मैंगो आइसक्रीम भी एकदम क्रीमी बनेगी और आप बाजार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। तो परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए मेरी इस रेसिपी को एंड तक फॉलो करिएगा, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। यह है स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग कप्स, इन्हीं से मैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस मेजर करती हूँ। ये देखिए, 30 ml, 60 ml, 80 ml, 125 ml और 250 ml। एक कप के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ जो कि 250 ml है। आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए। आप कटोरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी उसी प्रोपोर्शन में लीजिएगा। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 cup मिल्क पाउडर, 3/4 cup चीनी, 1 cup फुल क्रीम मिल्क, 2 medium-sized आम, 1 cup फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है 1 liter का। इसको हम रेफ्रिजरेट करके इसके ऊपर का गाढ़ा क्रीम लेंगे। अब हम दोनों आमों के छिलके निकाल देंगे और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इन सारी चीजों को हम एक एक करके ब्लेंडर में डालेंगे, जैसे पहले हम दूध डालेंगे। ये आइसक्रीम बनाना सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें हम सारी चीजें ब्लेंडर में डाल के चर्न करके उसको जमा देते हैं। अब नेक्स्ट हम शुगर डालेंगे, फिर मिल्क पाउडर। अब नेक्स्ट अमूल फ्रेश क्रीम मैंने 7 to 8 hours रेफ्रिजरेट किया ताकि उसकी जो थिक क्रीम है वो ऊपर आ जाए। अब ये देखिए, थिक क्रीम केवल ऊपर ऊपर से निकाल के हम 1 cup ब्लेंडर में डाल देंगे और जो नीचे जो पतला पतला दूध है उसको हम नहीं लेंगे, केवल थिक क्रीम को लेंगे। अब 1 medium आम का जो हमने छोटे पीसेस रखे थे वो भी ब्लेंडर में डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। देखिए, एकदम स्मूथ और थिक मिक्सचर तैयार हुआ है मैंगो शेक की तरह। और फिर हम इस मिक्सचर को आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे जिसमें हम आइसक्रीम जमाएंगे। फिर इसको सेट करने के लिए हम इसको 2 बार जर्क देंगे, फिर क्लिंग फिल्म से इसको कवर कर लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड का ढक्कन है तो ढक्कन भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लिंग फिल्म से हम इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। और क्लिंग फिल्म को हम आइसक्रीम के सरफेस पे टच करके लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं, ताकि बीच में एयर पॉकेट्स ना रहे, क्योंकि एयर रह गया तो उससे आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं। 5 to 6 hours बाद आइसक्रीम अच्छी तरह से जम गई है। मेरे स्कूप करने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा कि आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट और कितनी क्रीमी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी आइसक्रीम कंप्लीट है, मैंगो पीसेस के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन इसमें आगे एक और स्टेप मैं ऐड करूंगी। जैसे आप देख रहे हैं, मैं सारे आइसक्रीम को क्रम्बल कर रही हूँ, क्रश कर रही हूँ स्कूप से। आप चाहे तो किसी स्पैटुला से, किसी स्पून से भी इसको क्रश कर सकते हैं और पीसेस में कर सकते हैं। मिक्स करते करते इसका एक स्मूथ बेस तैयार हो गया है। अब हम इसको वापस से ब्लेंडर में डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से फिर से ब्लेंड करेंगे। उस मिक्सचर को हम वापस से आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे दोबारा जमाने के लिए। देखिए, इस कंटेनर के बाहर कितना आइस जम गया है। वो इसलिए है क्योंकि मिक्सचर जो हमने इसके अंदर ब्लेंड किया है वो फ्रीजिंग पॉइंट का था। दोबारा ब्लेंड करने से आइसक्रीम और भी फ्लफी, स्मूथ और क्रीमी हो जाती है। इस मिक्सचर को हम वापस आइसक्रीम मोल्ड में डाल के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर इसमें हम मैंगो पीसेस डालेंगे। जो सेकेंड वाला मीडियम साइज मैंगो था उसके छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे।
और पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए, अगर बड़े हुए पीसेस तो वो आइस क्रिस्टल्स हमें फील होगा खाते वक्त। इसको हम मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से सब जगह पे सारी डायरेक्शंस में मिक्स कर लेंगे, थोड़े थोड़े ऊपर भी छोड़ देंगे ताकि वो गार्निशिंग की तरह से विजिबल हो, और फिर हम इसको वापस वैसे ही दोबारा क्लिंग फिल्म से इसको कवर कर लेंगे, और क्लिंग फिल्म को हम आइसक्रीम के सरफेस पे टच करके लगाएंगे जैसे आप देख रहे हैं, ताकि बीच में एयर पॉकेट्स ना रहे। फिर हम इसको 5 से 6 घंटा फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। माउथ वाटरिंग एंड इररेसिस्टिबली यमी एंड क्रीमी आइसक्रीम तैयार है, तो देर किस बात की है, आज ही बनाइए ये सुपर सिंपल एंड इजी आइसक्रीम जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, जिसमें ना तो हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ना कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, और ना कोई स्पेशलाइज्ड मशीन जैसे इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए। तो झटपट बनाइए और एंजॉय करिए ये अमेजिंग आइसक्रीम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।